ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल की बैटरी फुल है या नहीं। अगर नहीं है, हमें कहीं जाना है, तो क्या कहते, पहले चार्जर पे मोबाइल को लगा दो, क्योंकि अब दिन में तो चार्ज कर नहीं पाएंगे, कहाँ चार्ज करेंगे, तो इसलिए चार्ज करके निकले। ऐसे ही हम भी दिन भर लोगों से मिलते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम आत्मरूपी बैटरी को भी चार्ज करने की ज़रूरत है? नहीं सोचा कभी। तो घर से निकलते समय हम आत्मा को भी 15-20 मिनट चार्ज करें। कैसे चार्ज करेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों से। कौन से श्रेष्ठ संकल्प? जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, तो आप ये मन में आत्मविश्वास से अपने को भरें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी सफलता, मेरी विजय हुई पड़ी है, निश्चित है, और मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में पूर्णतया सुरक्षित हूँ और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस तरह से अच्छे संकल्पों को 10-15 मिनट अपने मन में दोहराने से वो दृढ़ता आती है, मन आत्मविश्वास से भरता है। फिर हम ऐसे चार्ज हो के जिस कार्य के लिए निकलते हैं या दिन भर भी जो हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है, तो वो भी हर चीज़ में परफेक्शन नज़र आती है। तो इस तरह से हम आत्मा अपने कारोबार को निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं और वही एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं। नहीं तो आज जो दुनिया में भौतिकता है, हलचल है, उसके बीच जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी बहुत सी एनर्जी खो गई है, वेस्ट हो गई है और अपने को बहुत ही खाली अनुभव करते हैं। तो इसलिए हम अपने को ऐसे चार्ज करके परमात्मा से जोड़कर अपनी हर समस्या, हर चीज़ को सेटल कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख शांति से भर सकते हैं। बिना परमात्मा से जुड़े हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है।